वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रतीक IIT.com। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि जस्ट डायल के नए सॉफ्टवेयर के द्वारा डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। इसको समझने के लिए हमारे पास एक्सट्रैक्ट फॉर जस्ट डायल सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम किसी भी कैटेगरी और लोकेशन का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर कैटेगरी और लोकेशन टाइप कर स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टार्ट न्यू सेशन यूजिंग ग्वालियर एज लोकेशन यूजिंग मोबाइल शॉप्स एज कैटेगरी लिखकर आने के बाद यहाँ पर डेटा कुछ इस तरीके से कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमें ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, अदर कॉन्टैक्ट नंबर, इसके अलावा इसमें हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी मिल जाता है। इसके अलावा किसी भी शॉपकीपर्स के दो या दो से अधिक मोबाइल नंबर अवेलेबल हैं तो वो भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अभी तक हमें जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होता है। अभी के लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी के लिए हम इसको स्टॉप करते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में हमें इतना सारा डेटा जो कलेक्ट हो चुका है। अब यदि इस डेटा को हमें सेव करना है तो इसके लिए यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे और अपने कंप्यूटर में जिस लोकेशन पर भी सेव करना है उस लोकेशन को सिलेक्ट कर फाइल नेम टाइप कर सेव करते हैं, तो वह डेटा हमें उसी लोकेशन पर एक्सेल फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से सेव हो जाता है। इस तरीके से हम इस सॉफ्टवेयर के द्वारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के बारे में और अधिक जानकारी या परचेस करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8085119119 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।